हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे अपने इस नए वीडियो के साथ बेंजोइक एसिड की प्रॉपर्टी। तो हमारी हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। किसकी प्रॉपर्टी बच्चों? बेंजोइक एसिड की प्रॉपर्टी। तो हम बेंजोइक एसिड की प्रॉपर्टी में पहले शुरू करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। तो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोइक एसिड में सबसे पहली प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पर बात करूँगा कि बेंजोइक एसिड कैसा देखने में होता है। वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कौन? बेंजोइक एसिड, जिसका बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ये 122 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 122 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? सॉलिबिलिटी को अगर हम देखें तो पार्शियली या स्लाइटली, पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में पार्शियली क्या होता है? सॉल्युबल होता है। लेकिन हॉट वाटर, एल्कोहल, बच्चों हार्ड वाटर, हॉट वाटर, एल्कोहल, ईथर, एल्कोहल, ईथर और बेंजीन, एंड किसमें? बेंजीन C6H5, इनमें कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, पूरी तरह से जितना भी हम लेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। और एक चीज कि बेंजोइक एसिड वेपर के साथ, ध्यान देना, ये जो बेंजोइक एसिड है ये वाटर वेपर के साथ वोलाटाइल होता है। तो हम लिख सकते हैं वोलाटाइल विद वाटर वेपर। वाटर वेपर के साथ कैसा होता है बच्चों? वोलाटाइल होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी वाटर वेपर को, बेंजोइक एसिड की वाटर, बेंजोइक एसिड की वेपर्स को इनहेल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हमें कफिंग एंड सीजिंग, खांसी आने लगती है और छींक सी होती है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद देखिए आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजोइक एसिड। देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि C6H5COOH, यही था ना फार्मूला। तो C6H5COOH एक, ये कैसा है? इट इज अ मोनो बेसिक, मोनोबेसिक वीक, मोनोबेसिक वीक एसिड। कैसा एसिड है बच्चों? मोनोबेसिक वीक एसिड है, बहुत ही वीक और मोनोबेसिक एसिड है। लेकिन एसिटिक एसिड से थोड़ा सा स्ट्रांग। अगर हम इसकी एसिटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो CH3COOH से C6H5COOH मोर एसिडिक होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका, इसके लिए Ka की वैल्यू
1.8 into 10 to the power minus 10 to the power minus 5 होती है, जबकि इसके लिए बच्चों बेंजोइक एसिड के लिए 6.3 into 10 to the power minus 5, 6.3 into 10 to the power minus 5 होती है Ka की वैल्यू। ओके, तो Ka की वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करती है। ये देखिए काफी ज्यादा है इससे, इसलिए ये मोर एसिडिक और ये लेस एसिडिक। ओके, मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर देखिए कि जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द बेंजोइक एसिड, इसका C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O H, तो इसमें ये वाला जो कार्बन है बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन होता है वो किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बेंजोइक एसिड के केस में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कंपैरिजन में मोर आयनिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एस करैक्टर बढ़ने के साथ क्या हो जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर क्या हो जाता है अधिक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज अब ध्यान से देखिए। बात करते हैं हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग स्पीसीज की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग स्पीसीज की अगर मैं बात करूं, मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, विड्रा कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, उन्हें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहते हैं। जैसे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स नेचर के होते हैं। जैसे NO2, जैसे क्लोरीन ग्रुप, तो ये ग्रुप बेंजोइक एसिड की, अगर ये ग्रुप कहीं भी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं कहीं पर भी, कौन से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देते हैं। सभी ऑल नाइट्रोबेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड से मोर एसिडिक होते हैं। आइए मैं कुछ देखता हूं, आर्थो पैरा नाइट्रोबेंजोइक से मेटाबेंजोइक एसिड लेस एसिडिक है, ठीक है ना, तो इसका क्रम क्या है देखिए, आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ओफार आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पी फार पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और इससे भी कम एसिडिक कौन होता है,
मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इससे भी लेस एसिडिक बच्चों होता है। ओके, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप, जैसे एल्किल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप क्या होते हैं, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींच लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो थे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, जो बेंजीन रिंग से जुड़े होने पर, बेंजोइक एसिड से जुड़े होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, ठीक है ना। इन्हें हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में लाइक कौन, जैसे मिथाइल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं ये ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, मेटा पैरा मेथिल बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो मेटा और पैरा बेंजोइक एसिड इसीलिए क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में। बेटा ध्यान देना, मेटा एंड पैरा, पूरी बात लिख देते हैं, मेटा एंड पैरा बेंजोइक एसिड लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। आर्थोमेटा और पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूं, तो आइए देखिए, मैं उस एसिडिक स्ट्रेंथ को लिख देता हूं यहां पर कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो होगा वो मोर एसिडिक होगा आर्थो क्लोरो से, और आर्थो क्लोरो से भी लेस एसिडिक होगा मिथाइल ग्रुप है, और इससे भी लेस एसिडिक होगा आर्थो, ध्यान दीजिए बेटा, ये आर्थो हो गया और ये ओ मतलब ऑक्सीजन, ये देखिए ईथर वाला ग्रुप है ना, इथॉक्सी ग्रुप है, एल्कॉक्सी ग्रुप है। इसके बाद सबसे कम एसिडिक कौन होता है, C6H5COOH, मतलब एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड सबसे लेस एसिडिक होता है इन सभी में, तो ये ऑर्डर है इनका। मेटा की बात कर लेते हैं, तो बेटा मेटा नाइट्रो सबसे अधिक एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, अभी मैंने आपसे बताया, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है इसलिए, और इससे लेस एसिडिक कौन होता है, मेटा, अगर मेटा पोजीशन पर कौन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, मेटा आर्थो तो आप लोग समझते हैं ना, अभी बता देते हैं एक बार फिर। इसके बाद अगर मेटा पोजीशन पर कौन जुड़ा है, एल्कॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसे मेथॉक्सी ये जुड़ा है, इससे भी लेस एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड, कौन होता है बच्चों,
C6H5 COOH, और इससे भी लेस एसिडिक एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाने की वजह से होता है, वो होता है मेटापोजिशन पर, वो होता है क्या, मेटापोजिशन पर एल्काइल ग्रुप आ जाए, मिथाइल ग्रुप आ जाए, मेटापोजिशन पर अगर मिथाइल ग्रुप आ जाए तो ये सबसे लेस एसिडिक हो जाता है। चलिए पैरा को लेकर बात करते हैं, पहली दूसरी और तीसरी स्ट्रेंथ की सीरीज है। पैरा की अगर हम बात करें तो पैरा पर अगर नाइट्रो ग्रुप है तो सबसे अधिक एसिडिक होगा, पैरा पर अगर क्लोरो ग्रुप है तो इससे कम एसिडिक ये हो जाएगा, और एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड C6H5COOH जिस पर कोई और ग्रुप नहीं जुड़ा है तो ये इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ है इसकी, और उसके भी बाद एसिडिक स्ट्रेंथ आती है पैरामिथाइल पर, पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड की, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे लेस एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है पैरथा पैरा, ये देखिए मेथॉक्सी ग्रुप। ठीक है बच्चों, हाँ मैंने कहा कि आपको पैरा अर्थ तो पता है ना, जैसे ये बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग में ये कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया तो ये बेंजोइक एसिड हो गया। इसके ठीक सामने की पोजीशन जहाँ बेंजीन रिंग से पहला ग्रुप जुड़ जाता है उसके ठीक सामने की पोजीशन क्या कहलाती है बच्चों, पैरा। जहाँ ग्रुप जुड़ा है उसके नेबरिंग पोजीशन, पड़ोस की पोजीशन क्या कहलाती है, आर्थो। ये दोनों ही पोजीशन आर्थो हैं, आर्थो और पैरा के बीच क्या पाया जाता है, मेटा। आर्थो और पैरा के बीच क्या पाया जाता है, मेटा। ओके, तो जैसे आर्थो पैरा के बीच मेटा, वैसे माँ बाप के बीच बेटा। तो ये तरीका याद रखिए आप, तो ये यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए कि बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड में आर्थो पोजीशन पर कौन जुड़ गया, नाइट्रो ग्रुप। तो ये एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड से, ये एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड से बच्चों मोर एसिडिक होगा, कौन, अगर यहाँ पर इसकी आर्थो पोजीशन पर बच्चों, आर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ जाए, समझ रहे हैं ना, इस पोजीशन पर NO2 हो या इस पोजीशन पर NO2 हो, फिर इससे कम एसिडिक होगा, ये तो इससे होगा ही होगा, इससे भी कम एसिडिक होगा अगर ये क्लोरो ग्रुप कहाँ होता, आर्थो पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप होता, और उससे भी कम एसिडिक हो जाता जब बेंजोइक एसिड की, ये बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड की आर्थो पोजीशन पर कौन जुड़ जाता, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चरल फार्मूले को आप में आप इन कंपाउंड्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइए बात करते हैं अब हम मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज की, आप यहाँ पर बेंजोइक एसिड की, तो बच्चों बेंजोइक एसिड की केमिकल यहाँ पर लिख देते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोइक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोइक एसिड में बच्चों हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ साल्ट से। तो सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट बनाएंगे कैसे, अगर बेंजोइक एसिड, हमें पता है साल्ट कैसे बनता है, जब कोई एसिड किसी एल्कली से, जब कोई एसिड किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये पता है ना आपको। तो बेंजोइक एसिड यानी कि C6H5COOH एक एसिड है, इसकी रिएक्शन कॉमन से साल्ट के साथ कराते हैं, जब कॉमन से सॉरी एल्कली के साथ कराते हैं तो एल्कली के साथ कराने पर आपको कंपाउंड क्या मिलता है बच्चों, C6H5COOHNA मिल गया ना। तो मतलब कहने का कि हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो ये आपको मिल गया सोडियम बेंजोएट, क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम है सोडियम
बेंजोएट, और साथ ही साथ क्या बन गया, वाटर बन गया, शर्त पूरी हो गई। तो इस तरह से साल्ट बना लेते हैं हम, किसी भी बेंजोइक एसिड के रिएक्शन किसी साल्ट किसी एल्कली के साथ कराते हैं तो बन जाता है। यही रिएक्शन अगर हम इसके साथ ना करा के सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते तब भी ये सोडियम निकल जाता है, तब भी सोडियम बेंजोएट मिलता, बस CO2 अलग बन जाता है यहाँ पर, और तब ये रिएक्शन हो जाती है। Na2CO3 के साथ कराते, NaH के साथ कराते मतलब कार्बोनेट के साथ कराते, या बाइकार्बोनेट के साथ कराते, दोनों ही केस में क्या मिलता बेटा, यही मिलता प्रोडक्ट, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विद अमोनिया। आइए, बहुत फेमस रिएक्शन ये भी है, रिएक्शन विद अमोनिया। तो बच्चों बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना है। बेंजोइक एसिड क्या था, C6H5COH, दिस इज द बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं। जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनियम बेंजोएट मिलता है, किस तरह से, C6H5COO, बच्चों की जगह ये O हटता, CONH2, और साथ में क्या मिलता बच्चों, वाटर मिलता। सॉरी, ये नहीं होगी रिएक्शन, एक मिनट बेटा, ये होता C6H5COO, अमोनियम बेंजोएट बनाना है ना, तो ये अमोनियम बेंजोएट मिल जाता है आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर आप, अब आप इस अमोनियम बेंजोएट फाइनली वही मिलेगा जो अभी मैंने लिख दिया था यहाँ पर, दो स्टेप में करा के दिखा देते हैं जिससे क्लियर हो जाए बात। इसको अगर आप हीट कर देते तो हमें बेंजामाइड मिल जाता। बेंजामाइड क्या होता है, C6H5CONH2, साइड प्रोडक्ट एक ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकले, मतलब यहाँ पर वाटर निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको, दिस इज द बेंजामाइड, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजामाइड बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, अमोनियम बेंजोएट। क्लियर हो गई बात, इसे क्या बोलते हैं, मैंने कहा इसे बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। तो ये अमोनियम बेंजोएट था और ये बेंजामाइड था, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं ईस्टरीफिकेशन की, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी ईस्टरीफिकेशन। ये क्या होता है, ईस्टर बनेगा, है ना, बहुत फेमस ये भी रिएक्शन है, ईस्टरीफिकेशन। 10th class से आप इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। ईस्टरीफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम बेंजोइक एसिड की चूंकि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो C6H5COH लेंगे, बेंजोइक एसिड लेंगे, इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा देंगे। तो अल्कोहल के साथ मान लीजिए हमने ये ले लिया सबसे फेमस अल्कोहल C2H5OH, तो जब C2H5OH के साथ लेते हैं तो अल्कोहल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या हटता है, H हटता है, और इससे ये पूरा OH हटता है, इससे पूरा OH हटता है, दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, साइड प्रोडक्ट में वाटर बन जा रहा है, और देखिए क्या बच जा रहा है आपके पास, C6H5CO, और एक ये वाला O बेटा, इधर वाला O ये आ गया, और C2H5, दिस इज द ईस्टर। ये क्या है, एथिल बेंजोएट, इसका नाम क्या है बच्चों, एथिल बेंजोएट, जो एक तरह का क्या है, एरोमेटिक ईस्टर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एरोमेटिक ईस्टर मिल जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, मैंने अभी अभी बताया आपको, ईस्टरीफिकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम और बची हुई केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तब तक इसको देखिए और इसके आप नोट्स प्रिपेयर करिए।